आगे बढ़ते रहना है। क्या ये तस्वीरें नगर निगम द्वारा आयोजित दीपावली मेले के उद्घाटन की है, जहां कैबिनेट मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह, महापौर विनोद अग्रवाल, नगर विधायक रितेश गुप्ता के संयुक्त प्रयास से दीपावली मेले का उद्घाटन किया गया। अवसर पे प्रदेश सरकार ने ये संकल्पना की कि चूँकि कोरोना महामारी की वजह से बड़े लंबे समय तक लोगों के व्यवसाय मंदी के दौर से गुजरे, जो बड़े व्यापारी हैं उन्होंने तो किसी तरह अपना काम चला लिया, लेकिन जो रोज कमाने खाने वाला तबका था उसकी आमदनी पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। इस दौर में चूंकि अब धीरे धीरे सामान्यीकरण की तरफ लोग जा रहे हैं, तो ये सोचा गया कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाए जहां रोज़ कमाने खाने वाले लोगों की एक तरफ की आमदनी बढ़े, उनको अपना त्यौहार के पहले अच्छा बिजनेस करने का मौका मिले, वहीं जो हमारे विभिन्न सरकारी विभाग हैं, विभिन्न हस्तशिल्पी हैं, उनको भी एक मंच उपलब्ध कराया जा सके ताकि सरकारी विभाग अपनी योजनाओं की जानकारी पब्लिक तक पहुंचा सकें और जो हस्तशिल्पी हैं वो भी अपने उत्पादों को एक प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शित करके इस मौके का लाभ उठा सकें। शहर के लोगों को आकर्षित करने के लिए मेले में बच्चों के लिए किड्स वन जोन विकसित किया गया है, अच्छे तरह तरह के खाद्य उत्पादों के लिए एक फूड कोर्ट हमने यहाँ एस्टेब्लिश किया है, और इसके अलावा प्रत्येक दिन रोजाना कोई ना कोई सांस्कृतिक गतिविधि इस मेले में आयोजित की जाएगी, जहाँ लोग आकर के मनोरंजनात्मक क्षणों का, मनोरंजन के फलों का भी आनंद ले सकते हैं। सर समय क्या है? मैं ये बता दूं कि जो सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ प्रतिदिन आयोजित होंगे सायंकाल 5 बजे से लेकर 10 बजे तक, उन कार्यक्रमों में किसी भी बड़े सेलिब्रिटी को बुलाने के बजाय जो हमारे स्थानीय लोक कलाकार हैं उनको ही मंच पर स्थान दिया गया है, ताकि वो भी इस अवसर पर अपना योगदान दे करके इस कार्यक्रम का लाभ। सर जनता से क्या अपील करेंगे और क्या सहयोग चाहेंगे? मेरी जनता से ये अपील है कि एक बहुत लंबे कष्टकारी काल को झेल करके हम लोग बाहर आए हैं, और लगभग 2 वर्ष के अंतराल के बाद एक फेस्टिव सीजन हमें अपने वास्तविक स्वरूप में मिलने जा रहा है, तो इस अवसर का लाभ उठाएं और हर्षोल्लास के साथ त्यौहार को अमन चैन के साथ। वहीं नगर आयुक्त संजय चौहान ने बताया कि 4 नवंबर तक रामलीला मैदान में मेला जारी रहेगा। आपको बता दें कि नगर निगम ने पहली बार दिवाली के मौके पर मेले का आयोजन कराने का निर्णय लिया है। 28 अक्टूबर से 4 नवंबर तक चलने वाले मेले को लेकर कई दिन से तैयारियां चल रही थी। इस मेले में मुरादाबाद के आकर्षित करने वाली नक्काशी के स्टॉल नजर आए। इसमें मिट्टी के अलावा पीतल से बने उत्पाद अपनी चमक बिखेरने को तैयार है। खास बात यह है कि मेले में लगे स्टॉल से खरीदे गए उत्पादों पर उपभोक्ताओं को आकर्षक छूट भी मिलेगी। नगर निगम के द्वारा एक भव्य मेला का आयोजन किया गया है। प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप पूरे हर्षोल्लास के साथ मुरादाबाद में इस मेले का शुभारंभ किया गया है। इस मेले में मुरादाबाद की जनता के लिए मनोरंजन के साथ साथ स्वादिष्ट भोजन के स्टॉल्स यहाँ लगाए गए हैं। जो स्टॉल्स यहाँ लगाए गए हैं उनमें बहुत अच्छी क्वालिटी का सामान और बहुत सस्ता सामान रखा गया है। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि कृपया इस मेले का लाभ आप लोग उठाएं और नगर निगम के द्वारा आयोजित मेले का व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार हो, जिससे कि इसका लाभ मुरादाबाद की जनता ले सके। मैं इस भव्य आयोजन के लिए नगर निगम की समस्त टीम को, नायक साहब को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। इस मेले में पीतल के लैंप, कैंडल स्टैंड, गणेश लक्ष्मी की मूर्ति व मिट्टी व गोबर से बने दिए व मूर्तियां आकर्षण का केंद्र होंगे। मेले के सफल आयोजन के लिए 8 टीमों का गठन किया गया है।